स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आप सब लोग अपने दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेंगे आचमन के लिए। मंत्र के पश्चात इस जल को आप पियेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। एक बार और। ॐ सत्यं यशः श्रीमै श्री श्रेतां स्वाहा। हाथ धो लें। इसके बाद आप अपने बाएं हाथ की हथेली पर थोड़ा जल लीजिए। आचमन के पश्चात अंग स्पर्श, दाहिने हाथ के बीच की दो उंगलियों से जल को छूते हुए शरीर के अंगों को स्पर्श करना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे। इस भावना के साथ अंगों का स्पर्श करें, पहले दाएं फिर बाएं। राइट टू लेफ्ट मेरी नकल कर सकेंगे। पहले मुख को ओम वांग महासेस्तु, नासिका को ओम नसोर में प्राणोस्तु, आँखों को ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, कानों को ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, बाहों को ओम बाहुर में बलमस्तु, घुटनों को ओम उर्वोर महोजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सहसंतु। हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ तथा निरोग रहे, ऐसी आपने भगवान से प्रार्थना की। अब हम सब मिलकर ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के वेद की 8 ऋचाओं का श्रद्धा पूर्वक पाठ करेंगे। इन मंत्रों का पाठ हम सामूहिक रूप से करेंगे, सब लोग मिलकर बोलेंगे, अर्थ सिर्फ सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे, एकाग्रता के साथ सुनेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। हे सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता, समग्र ऐश्वर्युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासि सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय विशाविधेमा। जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, सो इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम या आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्यो कस्मै देवाय विशाविधेम। जो आत्मज्ञान का दाता शरीर
आत्मा और समाज के बल का देनेहारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देनेहारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ओम यः प्राणतो निमिषतो माहित्वैकाहिद्राजा जगतो बभूव यैषे यस्य द्विपादस्य दुष्पदः कस्मै देवाय विषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपने अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति किया करें। ओम ये नद्योरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये स्वस्थभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय विषा विधेम। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोगों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति किया करें। ॐ प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनोऽस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम्। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग आपका आश्रय लेवे और वांछा करें, वह सब कामनाएं हमारी सिद्ध होवे, जिससे कि हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। ॐ सानो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितिये धामन्नध्यैरयन्त। हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोकमात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश है, अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। ओम अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान वराज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त
आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कर दीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इतीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रः। आप अब दीप जलाएंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः। कपूर वाले चम्मच को हाथ में पकड़ लें और मंत्र के पश्चात इसे दिए से जलाकर अग्नि में आधान करें। ॐ भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते संजिजे धामयं च अस्मिन् सदस्थे अभ्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीरत। अब आप समिधा धान के लिए एक समिधा हाथ में ले लीजिए और इसे मंत्र पाठ के बाद अग्नि में चढ़ाएंगे। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन्नान्नाद्येन समेधया स्वाहा। ॐ समिधाग्निं दुवस्यत कृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठय स्वाहा। अब पंच घृता होती होगी, एक ही मंत्र को हम पांच बार पढ़ेंगे और आप घी की आहुति स्वाहा के साथ डालेंगे। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन्नान्नाद्येन समेधया स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे तन्नमः। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन्नान्नाद्येन समेधया स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे तन्नमः। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन्नान्नाद्येन समेधया स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे तन्नमः। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन्नान्नाद्येन समेधया स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे तन्नमः। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन्नान्नाद्येन समेधया स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे तन्नमः। अब जल प्रोक्षण के लिए आप पूर्व दिशा में बैठे हैं, दाएं हाथ की हथेली पर जल ले लेंगे और दक्षिण से उत्तर की तरफ छिड़कें। ओम आदित्येनुमन्यस्वा। अब ये जल पश्चिम दिशा में दे दीजिए।
अब आप दाहिने हाथ पर जल लीजिए और दक्षिण से उत्तर की तरफ छिड़केंगे। ओम अनुमते नमन्यस्व। अब जल उत्तर दिशा में लेंगे। ओम सरस्वत्यानमन्यस्व। और पश्चिम से पूर्व की तरफ छिड़केंगे। ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नस्वदतु। अब वेदी के चारों तरफ जल छिड़कना है, पूर्व से आरंभ करके उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर तथा पश्चिम से पूर्व की ओर। अब घी की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः। अब हम लोग दैनिक अग्निहोत्र की आहुति देंगे, आप घी की आहुति देंगे और बाकी सब लोग सामग्री की आहुति देंगे। तीन उंगलियों का उपयोग करते हुए स्वाहा के साथ सामग्री की आहुति देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वचो ज्योतिर्वच स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या दुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदं अग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदं आदित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादितेभ्य प्राणापान व्यानेभ्य स्वाहा, इदं अग्नि वायवादितेभ्य प्राणापान व्यानेभ्य इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूं स्वाहा। ओम याम मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नयासुवा स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुना विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवे सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या दुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वरग्नाय वादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूं स्वाहा। अब तक हम सबने जो आहुति दी उसे दैनिक अग्निहोत्र कहते हैं। अब हम बृहद यज्ञ करेंगे, कुछ देर सामग्री की आहुति नहीं देंगे। अब आप स्वाहा के साथ केवल घी की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते नमः। ओम इन्द्राय स्वाहा,
तन्नमः ॐ भूरदये स्वाहा इदम् अग्नये तन्नमः ॐ भूर्वायवे स्वाहा इदम् वायवे तन्नमः ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदम् आदित्याय तन्नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदम् अग्निवायवादितेभ्यः तन्नमः। अब आप स्विष्ट कृत की आहुति देंगे जिसमें घृत अथवा भात की आहुति दी जाती है और आप परमात्मा से अपनी सद्कामनाओं की पूर्ति के लिए आहुति देंगे। ओम यस्य कर्मणोत्यरेजम यद्वायो नमिहाकरम अग्निष्ट स्विष्ट कृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सूतं करोतु मे अग्नये स्विष्ट कृते सूत होते सर्व प्रायश्चित्ता होते नाम कामानां समर्थयित्रे सर्वान्न कामान् समर्थय स्वाहा इदम् अग्नये स्विष्ट कृते तन्नमः। ओम स्वाहा इदम् प्रजापते तन्नमः। ये जो हम लोगों ने आहुति दी है इसे स्विष्ट कृत आहुति कहते हैं, इसमें ऋषि दयानंद कहते हैं इसमें घृत अथवा भात की आहुति देवे। इसका बड़ा सुंदर भाव है, सुइष्ट कृत। हम सब अपनी इच्छाओं को अच्छा बनाए, सु मने अच्छा, इष्ट मने चाहत, कृत मतलब इच्छाओं को अच्छा बनाना। यदि हमें सुखी रहना है, जीवन में खुशियां और प्रसन्नता प्राप्त करनी है तो हमें अपनी इच्छाओं को अच्छा बना के रखना चाहिए। अब चार घृत की आहुति पड़ेगी जिसे पावमानी मंत्र कहते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंषे पवस आसुवोर्जमिषञ्जनः आरे बाधस्वदुच्छुनाम् स्वाहा इदम् अग्नये पवमानाय तन्नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निषे पवमानः पञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयम् स्वाहा इदम् अग्नये पवमानाय तन्नमः। इदम् अग्नये पवमानाय तन्नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परितापभूव यत्कामासे जोमस्तन्नो अस्तु वयम् स्याम पतयो रयीणाम् स्वाहा तन्नमः। अब आगे के मंत्रों में आप लोग सामग्री की आहुति देंगे, आप घी की आहुति देंगे, इसे अष्टज्याहुति कहते हैं। ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासि श्रेष्ठा यजिष्ठो वनितमाशो शुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुमुद्यस्मात् स्वाहा इदम् अग्नि वरुणाभ्याम् इदम् नमः। ओम सतमो अग्ने वमो भवोति अस्याहुषसो विष्टौ अवयक्ष्मणो वरुणं रराणो व्रीमृळीकं सुहवो न एधि स्वाहा नमः। ॐ मे वरुण सुदेहवमध्या च मृळया त्वामवसुरा च के स्वाहा इदम् वरुणाय नमः। ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेळमानो वरुणे अबोध्युरुशंसमान आयुः प्रमोषे स्वाहा इदम् वरुणाय नमः। ॐ एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञिया पाशा वितता महान्तः ते विनो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदम् वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदम् नमः। ॐ अयाश्चाग्नेस्यानभिषस्ति पाश सत्यमित्वमयासि अयानो यज्ञम् वहास्य यानो देहि भेषजम् स्वाहा इदम् अग्नये ऐसे इदम् नमः। ॐ उदुत्तमम् वरुण पाशमस्मदवाधमम् विमध्यमम् श्रथाय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो
आदिताये श्याम स्वाहा इदं पूर्णाय आदित्याय आदितये च नमः ॐ भगवतन्नः समनसौ सदेतसा वरेपसौ मा यज्ञम् हिंसिष्टम् मा यज्ञपतिम् जातवेदसौ शिवौ भवतमज्ञनः स्वाहा इदं जातवेदोऽभ्याम् इदं नमः। अब हम लोग मिलकर गायत्री मंत्र की 5 आहुतियां देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरसा चक्षुरमुचरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं ब्रब्रवाम शरदः शतमदीना श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं जल सर्वत्र हो
शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु मानसिक बल दीजिए, सभी व्यक्ति सुखी और निरोग रहें। इस पवित्र भावना के साथ अग्निहोत्र की मुख्य विधियां संपन्न हुई। अब हम प्रार्थना के भाव के साथ शांति पाठ करेंगे। शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म